गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम अपना इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे जो कि एक एडजेक्टिव्स है। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं बच्चों? जो हमें नाउन के बारे में, नाउन मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि कोई भी हमारी चीज़ है, जो कोई भी चीज़ है, टेबल है, चेयर है, पर्सन है, कोई बॉय है, गर्ल है, कोई नेम है, सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं। आपके आसपास की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो नाउन होती है। तो उस नाउन के बारे में जो बताता है बच्चों वो क्या होता है? आपका एक एडजेक्टिव, हम उसको बोलते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स द नाउन, टेल अस अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ ए नाउन। अब वो नाउन के बारे में उसकी क्वालिटी भी बता सकता है, उस नाउन की उसकी क्वांटिटी भी और उसका नंबर भी। तो हमारे पास तीन तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, जो कि क्या बताता है? क्वालिटी, नाम से ही पता लग रहा है, उस नाउन की क्वालिटी बताएगा। जैसे द मैंगोज आर वेरी स्वीट। अब मैंगो स्वीट है, ये क्या मैंगो की क्वालिटी है, मतलब कि उसकी एक विशेषता है, ठीक है। शी इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, ये क्या है? उस लड़की के बारे में बता रही है। शी क्या है? गर्ल के लिए हम यूज करते हैं। और शी हमारे क्या है बच्चों? शी के बारे में कौन बता रहा है? वो प्लेयर है। प्लेयर कैसी प्लेयर है? बेस्ट प्लेयर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपकी क्वालिटी हो गई एक नाउन के बारे में। क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब ही क्या होता है? कि कितनी चीज है, मतलब मात्रा में बता रहा है। ही एट द होल एप्पल, होल मतलब पूरा का पूरा एप्पल। देयर इज नो वाटर इन द बॉटल, मतलब कि बॉटल में पानी नहीं है। तो यहाँ पे होल ने और नो ने हमें यहाँ पे क्या बताया? एप्पल और पानी के बारे में, उसकी क्वांटिटी के बारे में बताया। अगला देखो बच्चों, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, यहाँ पे क्या बताएगा? नंबर बताएगा। आई हैव 4 कैट्स एंड 1 रैबिट। कैट कितनी है? 4 हैं और रैबिट कितने? 1। ये क्या बता रहा है? एक नंबर बता रहा है, ठीक है। शी एट 2 सैंडविचेस फॉर लंच, यहाँ पे भी क्या, कितने सैंडविच? 2 सैंडविच। ये नाउन है, नाउन के बारे में, नाउन का नंबर बताया गया, ठीक है। तो क्वालिटी, क्वांटिटी और नंबर, ये क्या है? नाउन के बारे में बताते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एडजेक्टिव्स बोलते हैं। अगला देखो बच्चों, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। हमारे एडजेक्टिव्स की क्या होती है बच्चों? डिग्री होती है। तीन तरह की डिग्री होती है बच्चों, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है देखो, इधर द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज यूज टू स्टेट द क्वालिटी ऑफ ए थिंग और पर्सन विदाउट मेकिंग एनी कंपेरिजन, फॉर एग्जाम्पल लाउड, ठीक है। जैसे हम लोग किसी भी, कोई भी एडजेक्टिव हम बोल रहे हैं, कोई भी एडजेक्टिव का हम नाम ले रहे हैं, जैसे ब्यूटिफुल है, ठीक है, ये क्या एक पॉजिटिव डिग्री है, लाउड है पॉजिटिव डिग्री है, टॉल है पॉजिटिव डिग्री है, थिक है पॉजिटिव डिग्री है, या फिर आप देख सकते हो कि लॉन्ग है पॉजिटिव डिग्री है। लेकिन जब हम कोई भी कंपैरिजन नहीं करते, उसको एज इट इज यूज करते हैं। जैसे द मैंगोज आर वेरी स्वीट, स्वीट क्या है? एक पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, अगला देखो, कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है कि हम दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, तो हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं बच्चों? कंपैरेटिव। अब लाउड का क्या बन जाएगा बच्चों? ईआर लग के लाउडर बन जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री, जो सब चीजों में, दो या दो से ज्यादा चीजों में या सब की चीजों से बेस्ट हम जिसके बारे में बात करते हैं, तब हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं, जैसे लाउडेस्ट, ESD हमने लगा दिया। मोस्ट एडजेक्टिव्स में क्या होता है? जैसे टॉल है, टॉल का टॉलर, ईआर लगाया, ESD लगाया, टॉलेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, थिक का कंपैरेटिव, थिकर और सुपरलेटिव थिकेस्ट, ठीक है। अब जो दो सिलेबल, दो सिलेबल का मतलब क्या है? जैसे ब्यूटीफुल है, ब्यूटी प्लस फुल, दो से मिला के बना है। टॉकेटिव है, टॉक प्लस एटिव। तो ये क्या है? दो सिलेबल्स होते हैं। ब्यूटी एक सिलेबल है, फुल क्या है? दूसरा सिलेबल है। टॉक एक सिलेबल है, एटिव क्या है? दूसरा सिलेबल है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग एडजेक्टिव्स में क्या करते हैं बच्चों, जैसे ब्यूटीफुल गर्ल, टॉकेटिव बॉय, टॉकेटिव गर्ल, ब्यूटीफुल वुमेन, हम ऐसे ही बोलते हैं। अब हम जब हम क्या करेंगे, इनके बीच में ये क्या हमारे एडजेक्टिव्स हैं, जो वर्ब के बारे में, हमने गर्ल के, बॉय के, वुमेन के बारे में बताया, तो ये क्या हमारे एडजेक्टिव्स हैं। और एडजेक्टिव्स किससे बने हुए? दो सिलेबल से बने हुए हैं। अब जो दो सिलेबल से बने हैं, उनके साथ हम मोर और मोस्ट का यूज करते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में। ये तो इनके पॉजिटिव डिग्री है, ऐसे कैसे? जब कंपैरिजन करेंगे तो मोर ब्यूटीफुल और मोर टॉकेटिव, और जब दो से ज्यादा चीजों के भी बारे में बात करेंगे तो मोस्ट ब्यूटीफुल और मोस्ट टॉकेटिव हम बना देंगे। अब जो एडजेक्टिव्स हमारे वोवल और कॉन्सोनेंट के साथ खत्म होते हैं, जैसे थिन, INLLALL, ठीक है, थिनर, थिनेस्ट, वही ER और EST लगाया, टॉलर, टॉलेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, इजी, इजियर, इजीएस्ट। जहाँ पे लास्ट में Y होगा बच्चों, में हम क्या लगा देंगे? IER और IEST। यहाँ पर हम क्या लगा रहे थे? जैसे E था, ठीक है, देखो पहले हमने देखा ER और EST लगाएंगे, दो सिलेबल है, मोर और मोस्ट यूज करेंगे।
अगर वो वाला कॉन्सोनेंट वही ER और EST यूज करेंगे, इसमें E आएगा एडजेक्टिव्स के, तो हम क्या करेंगे बच्चों, R और ST लगा देंगे, ठीक है। जब लास्ट में Y आएगा तो IER और IEST लगा देंगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ बच्चों। जैसे कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका कोई पैटर्न नहीं होता, जैसे गुड होता है, गुड का हम गुडर गुडेस्ट नहीं बनाते, क्या बनाते हैं, बेटर और बेस्ट। ओल्ड का ओल्डर ओल्डेस्ट या फिर एल्डर या एल्डेस्ट। लिटिल का लेस और लीस्ट, ठीक है। बैड का वर्स और वर्स्ट बनाते हैं, ठीक है। वाइल यूजिंग द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस वी यूज अ वर्ड देन आफ्टर द एडजेक्टिव। जब भी हम कंपैरिजन करेंगे तो उसमें क्या लगाते हैं, हम बाद में देन का यूज करते हैं एडजेक्टिव के बाद। वाइल यूजिंग द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव वी समटाइम्स यूज अ वर्ड द बिफोर द एडजेक्टिव। जब हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं तो हम उसके पहले क्या लगाते हैं बच्चों, द का यूज करते हैं और कंपैरेटिव में देन का यूज करते हैं। जैसे दिस इज द डैश ड्रेस टीना हैज। अब यहाँ पे द आर्टिकल का यूज हो रखा है तो यहाँ पे हमारी क्या आएगी बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री आएगी, क्योंकि टीना के पास जितनी भी ड्रेस है उसमें से एक ड्रेस की बात की गई है, ठीक है। दो ड्रेसेस की कंपैरिजन तो यहाँ कहीं हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, प्रीटीएस्ट आएगा। और देखो बच्चों इधर देखो, द वेदर इज डैश इन मे देन इन अप्रैल। बताया गया था आपको कि क्या होगा, कंपेरिजन होगा तो बीच में क्या आ जाएगा, देन आ जाएगा। तो हमारे पास बैड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है बच्चों, वर्स होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द वेदर इज वर्स इन मे देन इन अप्रैल। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे।